नमस्कार आमर स्वतंत्र उपस्थापना को आपण मानू स्वागत जारी रही त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रथम एवं द्वितीय पर्याय भोटिंग सरी आउ तीन पर्यायपाई ग्राउंड में चली बड़ कसाकसी किए केउठी जितिब किए केउठी जिला परिषद गठन करिब ताकू नहीं अनेक तर्जमा 2024 पूर्व सेमिफाइनाल कहुवा यह लड़ई में कहार हेब बाजिमात देखा जिला परिषद गणित गत अध्याय आम देखी पश्चिम ओडिशार राजनैतिक स्थिति एवं समीकरण उपरे एथर बाई पर्याय आम देखा दक्षिण एवं उपकूल ओडिशार राजनैतिक स्थिति कौन अच्छी बीजेडी बीजेपी एवं कांग्रेस रो रणनीति कौन अच्छी अधिक विश्लेषण पर आम सहित रोचे आम डेप्यूटी न्यूज एडिटर थबिट सामल थबिट आम जदि देखा उपकूल एवं दक्षिण में गोटे प्रकार बीजेडी दबदबा रही बलबत्तर रखा बर्तमान कौन चैलेंज आसपा सामने और राजनैतिक दृश्यपट स्थित को आपन केमिति देखुं देखो जदि देखिए दुईट पर्यायर मतदान शेष होतमान स्थित कुछ आप कंपेयर करेंगे 2017 पंचायत पोल जो थी कि जिला परिषद आसन गणित को जदि कहुए तो गत थर आम जो भाव आलोचना करते आठटी विशेषकर बीजेपी कब्जे थी जिला परिषद आसन जो थी कि अधिकांश थी पश्चिम ओडिशार केवल मलकानगिरी को छाड़ीदे सबु जिला पश्चिम ओडिशा को रिप्रेजेंटेटिव करते बीजेपी बाजिमात करता बर्तमान जदि आम देखा उपकूल और दक्षिण ओडिशार ताल 2017 स्थित को देखिले पखापाखि 21 जिले में बीजेडी निज दखल कर जिला परिषद आसन और आठटी बीजेपी को जाता गोटे कंग्रेस जहाँकि झारसुगुड़ा कंग्रेस हाथ में केवल रही है परवर्त पर्यायर जब देखिए रायगढ़ाटा पुणी बीजेडी खाता को जाता स्थित को जब कहुए तो उपकूल और दक्षिण से ही बीजेडी विजु जनता दल नंबर वन पार्टी भाव में उभा होता पंचायत और जिला परिषद क्षेत्र में विशेषकर जदि उपकूल ओडिशा रे गोटे प्रकार बीजेडी क्लीन स्वीप कर सबुठ भल सफलता हासिल कर दल एवं दक्षिण ओडिशा बीजेडी किसी जिले में भल सफलता पाई किंतु बीजेपी एवं कांग्रेस मध्य नंबर टू पे लड़े होता 2017 स्ट्राटेजी जब आप देखिए जो भाव में पश्चिम ओडिशा बीजेपी भल कर कांग्रेस सेमती भल कर 2017 दक्षिण ओडिशा जिला गुड़िक दुई पार्टी नंबर वन बीजेडी को छाड़देले बीजेपी भर्सेस कांग्रेस किसी जिले में बीजेपी थी दुई नंबर किसी जिले में दक्षिण ओडिशा कांग्रेस दुई नंबर स्थान में रही थी जब आम उपकूल परिप्रेक्षी आलोचना करवा जो विजु जनता दल क्लीन स्वीप कर गड़ को वर्तमान बजाय रखा चैलेंज कौन सब आसपे और कांग्रेस और बीजेपी रणनीति कौन रही है ये सब जिला देखो उपकूल ओडिशा जब आप देखिए गोटे प्रकार विजु जनता दल गोटे मेजरिटी अधिक सफलता पाई से ही क्रम आप उपकूल ओडिशा को देखा जाए तो पूरी जिला एक चर्चा थिला 2017 स्थित जब आप देखिए मोट 33 जिला परिषद आसन मध्य बीजेडी नहीं 31 आसन और बीजेपी हाथ में गोटे आसन थी पूरी जिले में और स्वाधीन प्रार्थी जन जीति कांग्रेस खाता खोली पार ना बर्तमान जदि आप देखिए एथर इलेक्शन जदि कोविड स्थिति एवं परवर्त पर्याय कैंपेनिंग तो अलग कथा किंतु 2017 स्थित को जब आप कंपेयर करेंगे वर्तमान स्थिति ताहले सेते गुरु शिष्य एकाठी थे महेश्वर महांती एवं जयंत षडंगी जी विधायक अच्छा दुई जन एकाठी लड़ुते और शंखचिन्ह भोट मागि किंतु वर्तमान रंग आप जानते 2019 उभयों लड़े है बर्तमान बीजेपी हाथ में 2019 पूरी आसन विधानसभा आसन रही जदि आप स्थित देखिए तो तत्कालीन से पूर्वतन मंत्री वर्तमान जी अच्छा योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय दास वर्मा और सेठी हारी जाइए 2019 इलेक्शन रे गोटे प्रकार ब्रह्मगिरी पार्ट मध्य आलोचना करवा जोटे कि लुलु लिगासी बोली कहा जाए सेठी संजय दास वर्मा और लुलु महापात्र गोटे पारंपरिक लड़ई थी किंतु 2019 हारी जाते संजय दास वर्मा और जोटे कि भाई लुलु महापात्र स्वर्गत लुलु महापात्र भाई ललितेन्दु महापात्र जीति लुलु महापात्र झील वर्तमान कैंपेनिंग करू एक जदि स्थित देखिए तो प्रसाद हरिचंदन आपड़ जानते वर्तमान से मीडिया असंतोष जाहिर करते कांग्रेस एक प्रकार पूरी जिले में वर्तमान स्थित ना कहे भूल हेनी क्रम जी आप देखिए निकट में पिपली बाई इलेक्शन होता जो थी कि विजु जनता दल सफलता पाई 2017 से तत्कालीन मंत्री स्वर्गत प्रदीप महारथी गोटे टाणुआ चेहरा और दलप गोटे आसेट थे पुओपाई बापा पुओं जदि जदि स्थित को देखा जाए रुद्र महारथी जी बर्तमान विधायक अच्छा गोटे चैलेंज हम निज अंचल जेडपी सीट को कब्जा करवा स्थित जदि आप देखा जाए अन्य एक अंक हूँ विजु जनता दल गोटे आसेट कारण दुई दुई जन मंत्री अच्छा गणशिक्षा मंत्री समीर दास कहतु क्रीडा मंत्री तुषारकांति बेहरा कहतु तेनाली मोटामोटी भाव में 31 आसन जो बीजेडी कब्जा कर दोहरवा कायम रखा दल गोटे बड़ा चैलेंज पूरी आपड़ जमी कहते समीकरण पर
किंतु समीकरण परिवर्तन रो संभावना बा तार फल हुए तो बीजेडी को जाई पारे किंबा बीजेपी को जाई पारे एवं आपण को मतरे बा जहां विश्लेषण करूचंते गुटे प्रकार कांग्रेस पुरी रे रेस रे नाही कहले अतुक्ति हबो नाही सेबोली अन्य एक गुरुत्वपूर्ण जिल्ला होची जाजपुर। जाजपुर संपर्क रे जदि आमे आलोचना करबा जेउटी 39 आसन एवं बीजेडी 33 टी रे जीती जिल्ला परिषद गठन करथिला सेटिकार स्थिति को आपण केमिति देखुचंती देखंतु आउ एक निर्वाचन मंडली जदि आपण देखिबे जाजपुर जिल्ला रो जदि देखा जाय ताहले 39 टी आसन रु 33 टी जाईतला बीजेडी खाता को एवं 6 टी रे मध्ये बीजेपी बाजीमात करथिला कांग्रेस मध्ये सेठी मध्ये खाता खोली पार नथिला। विशेषकर जदि आपण देखिबे बीजेडी रो सबुठु टाणुआ नेता दलर सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास कोंतु प्रीतिरंजन घड़ाई कोंतु किंबा प्रणव प्रवंत राय प्रमिला मल्लिक एवं एई विधायक माने वर्तमान रेस रे अछन्ते आगुठु वर्तमान कैंपेनिंग कोंतु स्ट्रेटेजी कोंतु एवं दल किभली भाबरे 33 टी आसन कायम रखिबो ना अधिक सफलता पाइबो ता बुझि जनता दल पई गोटे बड़ चैलेंज एथि पई कहउछु कारण सेठी जदि आपण देखिबे एमपी सेगमेंट शर्मिष्ठा सेठी जे कि एमपी भाबरे 2019 रे निर्वाचित होइतिले पाखापाखि 10% भोट अर्थात 49.8% भोट पाई शर्मिष्ठा सेठी सेठी बीजेडी रु एमपी होइछन्ती किंतु बड़ फैक्टर जदि आपण देखिबे 2017 रे जे कि सबुबेले शासक दल को गोटे कड़ा टक्कर गोटे सांगठनिक स्थिति मजबूत से होउछन्ती विश्वरंजन मल्लिक जे कि सबुबेले शासक दल को गोटे टक्कर दे आसुथिले किंतु वर्तमान स्थिति कौन ना सी निजे आसिछन्ती विजु जनता दल को जॉइन करि सारिछन्ती तेणु बीजेपी रो जिला सभापति कोंतु किंबा स्थानीय टाणुआ नेता गौतम राय को ऊपर वर्तमान दल भरोसा करिछि एही स्थिति को जदि कहा जाए जोठी विशेषकर बरी अंचल रे जोठी कड़ा टक्कर आसुथुला विश्वरंजन मल्लिक जे टाणुआ नेता थिले से वर्तमान बीजेडी को आसी सारिछन्ती तेणु हुए तो वर्तमान जाजपुर जिला रे बीजेडी रो दबदबा जदि अधिक रहिछि 33 टी आसन जहाँ पाई बढ़ ना कम जदि संख्या कमे निश्चित भावे सुविधाजनक स्थिति रे अछि बीजेडी ओके अन्यपटे केन्द्रापड़ा कथा जदि आम आलोचना करबा बहुचर्चित आसन एठारु पूर्वरु बैजंत पंडा सांसद थिले 2019 रे हारिले समीकरण परिवर्तन होइछि किंतु सेही समीकरण कहा सपक्ष रे जाउछि संभावना बा कहा सपक्ष रे संभावना सृष्टि करुछि केन्द्रापड़ा को किभली भावे विश्लेषण करु निश्चित भावे जदि आपण केन्द्रापड़ा कथा कहिबा ताहले बिजु जनता दल 22 टी जिला परिषद आसन पाइथिला एवं बीजेपी पाखबु जाइथिला 10 टी आसन 2017 आपण मन थिबो जेतु टाणुआ नेता तत्कालीन सांसद बैजंत पंडा मंगुआ साजिथिले जिल्लार जोथिरे कि बिजु जनता दल सफलता पाइथिला किंतु बीजेपी मध्ये सेठी 10टी सीट कब्जा करिछि सेही क्रमरे जदि आपण देखिबे जेहेतु टाणुआ पूर्वतन मंत्री वर्तमान विधायक अतनु सभ्यसाची नायक कथा कहतु प्रताप देव कथा कहतु किंवा पूर्वर थे अर्थमंत्री वर्तमान विधायक शशिभूषण बेहरा कथा कहतु और सांसद जे अनुभव महांती निजे 2019 रे गोटे क्लीन स्वीप करिछन्ते अर्थात पाखापाखि 50.87% भोट पाई जो थे कि जय पंडा पाई 38.53% यही क्रम जदि कहुए जिले में 2017 रे एकाठी थे 2019 रे एमपी सेगमेंट प्रतिद्वंदिता हेले निजे से तत्कालीन सांसद जय पंडा एवं बीजेडी मध्ये गोटे लड़ाई हेला एही क्रम रे जदि कहा जाए ताहले विशेष करी दुईमुखी बा दुई प्रकार लड़ाई होई पारे गोटे होची बीजेडी एवं बीजेपी मध्ये एवं किछि पॉकेट रे जदि टाणुआ नेता कहा जाए धरणीधर नायक कोंतु अंशुमान महांती कोंतु गणेशपुर बेहरा जी कांग्रेस रे अछंती से मध्ये हारिथिले गत थर निर्वाचन रे 2019 साधारण निर्वाचन रे तेणु केन्द्रापड़ा उपर जदि कहा जाए ताहले बीजेपी गोटे बड़ चैलेंज हबो जो 10टी सीट गत थर पाइथिले ताहा रिपीट हबो कि कायम रखिबो कि कांग्रेस रो कोनोसी रोल रही पारे कि निश्चित भाबे देखिबे अंशुमान महांती जी अछंती टाणुआ नेता स्थानीय अंचल रे एवं विशेष करी गणेशपुर बेहरा एवं धरणीधर नायक अच्छा हुए तो जदि आप देखिए परसेंटेज वाइज कहा जाए तो सबुले पूर्वर नंबर 2 रोला कांग्रेस गत थर कि नंबर 3 को खसी से ही क्रम जदि कहा जाए त्रिमुखी लड़ाई हेले दुई दल पर गोटे चैलेंज रही है जे 2017 सफलता को दोहर एवं कायम रखा नचे बीजेपी किसी फायदा मारिपे बिल्कुल ए तो थिला केन्द्रापड़ार स्थिति अन्यपटे कटक राजनीति कथा जदि आमे आलोचना न करिबा ताहेले असंपूर्ण निश्चय रहिजिबो कटक दृश्यपट को आपण किभली देखुछंती बिजु जनता दल गड़ कहा जाई पारे शक्ति मध्ये जथेष्ट अछि किंतु से जगारे बीजेपी रो शक्ति को आपण केमिति तोलिबे देखंतु उपकूल रे जदि आपण देखिबे विशेष करी कटक रे जदि कहा जाय स्थिति ताहेले मोट 46 टी आसन जोथरे कि बीजेडी पाइथिला 37 37 टी एवं बीजेपी खाता को जाइथिला 8 टी एवं कांग्रेस खाता खोली पारनथिला जणे स्वाधीन प्रार्थी जिला परिषद भाबरे जितिथिले स्टेटस जदि आपण सेतेबेले देखिबे ताहेले एमपी सेगमेंट रे जे कि बीजेपी रु प्रकाश मिश्र जे पूर्वतन पुलिस डीजी से बीजेपी रु लड़ुते एमपी सेगमेंट रे एवं जदि आप बीजेडी कथा कहे भर्तरी महताब जो जे कि 49.51% पाई बीजेडी रु निर्वाचित होते क्रम जदि कहा जाए तो 2019 रे चित्र टिके सामान्य बदली था विशेषकर जदि आप देखिए महम्मद मुकिम से कटक जिलूर विधायक भाव में निर्वाचित है तेणु ये जदि टाणुआ नेता जदि कहा जाए जो सीट 37 पाई बिजु जनता दल ता दोहर अधिक सफलता पाइबा निश्चित भाव में बीजेडी गोटे सम्मान प्रश्न ये मुझे कहूँ टाणुआ
ନେତା ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ରରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦେବୀ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ, ଏବଂ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏକି ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପୁଅ, ଏବଂ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏକି ଟାଣୁଆ ନେତା ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏହିସବୁ ଯଦିକି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବିଜେପି ସେଠି କଟକ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 8ଟି ସିଟ୍ କବ୍ଜା କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେହି ସଂଖ୍ୟା କମେ ତାହେଲେ ତାର ଫାଇଦା ଶାସକ ଦଳକୁ ଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଲଢ଼େଇ କାହା ସହିତ କାହାର, ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ବିଜେପି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ନା ବିଜେଡ଼ି ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଯଦି କିଛି ପକେଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ବିଶେଷ କରି ସେହି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପକେଟ୍ ବାଇଜ୍ ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେହେତୁ ଉପକୂଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ କିଛି ପକେଟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ନଚେତ ଶାସକ ଦଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଯେ ପୂର୍ବ ସଫଳତାକୁ ଦୋହରାଇବା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ କି ଉପକୂଳରେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଦବଦବା ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେହି ଦବଦବା ରହିଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ସେହି କ୍ରମରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଉପକୂଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଧାୟକ ବି ଜଣେ ଜିତିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ। ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ କିଛି ପକେଟରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ତଥାପି ଉପକୂଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼। ନୟାଗଡ଼ର ସମୀକରଣ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନୟାଗଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ମୋଟ 24ଟି ଆସନ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2017ରେ, ମୋଟ ଆସନରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେଡ଼ି 19ଟି, ବିଜେପି 4ଟି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଗୋଟିଏ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ 2017ର ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଦୋହରାଯାଏ, 2019ରେ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କାରଣ ସେଠି ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅରୁଣ ସାହୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର। ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ 19ରେ ଅଙ୍କ ବଦଳିଲା, ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଲାନି, ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଜିତିଲେ, ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ର ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ନିକଟରେ ଏକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏକ ନାବାଳିକା ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଘେରିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଥିଲା, ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ କି ଜେଡ଼ପି ଆସନ ଉପରେ, ସେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନଚେତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନି, ତେଣୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ି କିଛି ଜାଗାରେ ମାନେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି, କାରଣ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ତା'ର ଫାଇଦା ଦଳ କେତେ ପାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ଦଳ ପାଇଁ। ଯଦିଓ ବିଜେଡ଼ି ମହଲରେ ଏଇଟା କିଛି ଗୁଞ୍ଜରଣ ହେଉଛି, କମ୍ପନ ହେଉଛି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠି ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥିତି, ନଚେତ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଫାଇଦା ମାରିପାରେ। ବିଲକୁଲ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା, ଖାସ କରିକି ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କଟକରେ କ'ଣ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି, 2017ର ସମୀକରଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ବା ସେଠି କିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏବଂ କିଭଳି ଆଧାରରେ ବା କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କ'ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସମୟ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମୀକରଣ ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ 500 ତଳକୁ ଖସିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, ଦିନକରେ ଆଉ 492 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 299 ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 203 କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 122 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,82,481 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଯାଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 1,67,109 ରୋଗୀ, 6,308 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲ୍ୟ ଗୌଡ଼ିଆ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବିଶ୍ୱର ମୁକ୍ତି ଲାଗି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ଥା ପଛରେ ରହିଛି ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ମାନବତାକୁ ଆସ୍ଥା ଆଧାରରେ ବାଣ୍ଟି ହେବନି। ଗୌଡ଼ିଆ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଚଳିତ ବର୍ଷ 150ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସବିତା କୋବିନ୍ଦ, ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
हरेकृष्ण महामंत्र आंदोलनर अन्यतम अग्रणी संत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रपाद 150वां आविर्भाव उत्सव उपलक्षे फूल और संतगुरु फटो में सजे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ पुरी गस्तर द्वितीय दिन सकाळे प्रथमे राष्ट्रपति श्री चैतन्य गौड़ीय मठ परिदर्शन करथिले। पुरी गस्तर प्रथम दिन में राष्ट्रपति श्रीमंदिर श्रीजीवू दर्शन करथिले। राजस्थान कोटारे बड़धरण दुर्घटना विवाह यात्रा पलटि जाइछि शेष यात्रा। कोटारे बरकु नै जाउथिबा एक कार चंबल नदी में खसीपड़ बर सहित न जणकर सलील मृत्यु होइछि। एपरी लोमटांकुरा दुर्घटना अंचल शोकाकुल परिवेश सृष्टि करिछि। चंबल नदी उपरे दुर्घटना घटिछि। घटनाकु नै लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला और राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शोक प्रकाश करिछन्ति। सरला तृतीय पर्याय पंचायत मतदान सका सतटू आरंभ होता भोट दिन गोटाए बेले सरी केतक बुथ में अधिक लोक संख्या थी टोकन दि जाए निर्धारित समय गोटाए पर भी मतदान हो पूर्व आम आलोचना करुले उपकूल ओडार राजनैतिक स्थित और विभिन्न राजनैतिक दलों शक्ति वर्तमान नजर पक दक्षिण ओडे कौन कौन समीकरण जिला परिषद गठन क्यों राजनैतिक दल के शक्ति रही क्यों राजनैतिक दलों किए सुविधाजनक स्थित रही लगातार भाव में आलोचना आम सहित रोचान आम डेप्यूटी न्यूज एडिटर थबीर सामल। थबीर जदि आम दक्षिण ओडा कथ आलोचना करवा जो बीजेडी तो निश्चय एक नंबर पार्टी होता कितु कंग्रेस और बीजेपी से जगह आम देखी भोट प्रतिशत था भोट हार बढ़ी से दृष्टिकोण वर्तमान स्थिति किभली देखा जाई पारे देखो जो भाव में 2017 जदि आप जिला परिषद स्थित को जदि देखा जाए ताहले जहाँ मुझे कहती पश्चिम जो भाव में बीजेपी भल कर किंतु दक्षिण स्थिति अलग विशेषकर दक्षिणांचल जिलागुड़िक दक्षिण ओडिशा जदि आप देखिए नंबर वन पार्टी भाव में 2017 जिला परिषद आसन में बीजेडी रही 2019 इलेक्शन में से स्थित थी भोट परसेंटेज को जदि आप देखिए कितु गोटे समीकरण जदि आप देखिए नंबर टू पर लड़ई चलता बीजेपी और कंग्रेस किसी जिले में बीजेपी भल कर किसी जिले में कंग्रेस कितु भल कर तो मोटामोटी राज्य जदि प्रदेश कांग्रेस कथा कहा जाए ताहले ओडिशा कांग्रेस कथा कहा जाए ताहले दक्षिण ओडिशा सब जिले में टच करिछि कांग्रेस तेणु वर्तमान स्थिति जदि आप देखिए अंक समीकरण भिन्न हो पारे अभिव्यक्त जदि आम केवल कोरापुट जिला जदि कहा जाए कोरापुट रे जहाँ 29 टी जिला परिषद आसन मध्य बीजेडी को जाइला 24 टी जेडपी आसन और बीजेपी गोटे कांग्रेस 4 आसन पाई अर्थात कोरापुट नंबर 2 थिला कांग्रेस एवं नंबर तृतीय स्थान रे थिला बीजेपी से ही क्रम जदि आप देखिए जो भाव में एमपी सेगमेंट को कहा जाए ताहले किंतु कांग्रेस बाजीमात कर सप्तगिरी उल्लाका जी कि कांग्रेस एमपी निर्वाचित होते निकट प्रतिद्वंदी जो जी कि कौशली हकाका से तत्कालीन पूर्वतन सांसद जिन्ना हकाका पत्नी जदि कहुए ताल से पाई 34.02% और एमपी सेगमेंट में सप्तगिरी उल्लाका जी कांग्रेस जीति 34.36% अल्प व्यवधान मध्य से कांग्रेस बाजीमात कर वर्तमान स्थित जदि आप देखिए लक्ष्मीपुर पूर्वतन विधायक जी कि कैलाश कुलसिका कोटपाटर पूर्वतन विधायक जदि आप देखिए चंद्रशेखर माझी दुईज पूर्वतन कांग्रेस नेता जॉइन करवा निश्चित भाव में बीजेडी गोटे बड़ आसेट हम एवं से ही क्रम आप देखिए अविभक्त कोरापुट जिला को जदि सामग्रिक भाव नि जाए से क्रम रायगढ़ आसो रेस रायगढ़ जदि 22 टी आसन मध्य देखो कांग्रेस 11 टी आसन नहीं जाइता जो थी कि नंबर 2 थी और जदि जिला परिषद आसन अख्तियार कर तत्कालीन प्रार्थी जे देहांत पर बीजेडी से कब्जा कर तेणु रायगढ़ और कोरापुट एवं तांग को नवरंगपुर कथा कह जाए और विशेषकर जदि तीनोटी जिला को प्रमुख भाव निजी गोटे निर्णायक हम जे एथर कहा सहित कहार लड़े जदि आम कोरापुट अविभक्त जिला को कहुए गोटे पटे रे सप्तगिरी उल्लाका और टाणुआ विधायक जयपुर जी कि तारा बाहनपति अंपटे रे रमेश माझी और प्रदीप माझी जी कि प्रतिद्वंदी थे तेणु दुई समीकरण को जदि आप देखिए कांग्रेस और विशेषकर बीजेडी मध्य गोटे कड़ा टक्कर हबार संभावना कहपे थबीर कि 2019 विजु जनता दल अनुभव कर कि दक्षिण ओडिशा खास करके कोरापुट रायगढ़ नवरंगपुर यू जगार शक्ति बढ़ेबार अच्छी से बोधे रणनीति पूर्वर ही बीजेडी आरंभ कर निश्चित भाव में जब आप देखिए जेहेतु कांग्रेस किसी जगह भल प्रदर्शन करता और जी कि प्रदीप माझी पूर्वतन सांसद राज्य सरकार को सब अड़ुआ पकाते से विभिन्न प्रसंग को नहीं गोटे गोटे कोरापुट जिले में जो स्थित कहा जाए बीजेडी वर्सेस प्रदीप माझी मध्य गोटे लड़े चलता तेणु वर्तमान स्थित जब आप नवरंगपुर कथ कहता 26 टी आसन जो थे कि बीजेडी 11 बीजेपी 7 और कांग्रेस को 8 जाता जहाँ कोरापुट और नवरंगपुर में कांग्रेस द्वितीय पोजिशन रही है सेकेंड पोजिशन रही है तेणु कौटी ना कौटी उभय पकेट भोट को नहीं समीकरण कह जाए ताहले रमेश माझी और प्रदीप माझी गोटे पटे रही है एथर लड़े अंपटे तारा बाहनपति और सप्तगिरी उल्लाका रही है तेणु वर्तमान विजु जनता दल पे कड़ा टक्कर दे पारे कांग्रेस किसी अंचल से ही क्रम जब आप देखिए नवरंगपुर में हूँ तो विशेषकर बीजेडी और
कांग्रेस मध्ये गोटे कड़ा टक्कर हम बोली कहुच्छे ता क्रमें जब आप देखिए आउ एक दक्षिण ओडिशार जिला मलकानगि जो मलकानगि आप स्थित को नजर पकात 2017 जब कह जाए मोट 13 आसन रु बीजेपी को गोटे प्रकार क्लीन स्वीप होता भल प्रदर्शन कर दल आखिदृशिया प्रदर्शन करता गोटे पछुआ जिले में विशेषकर 10 सीट बीजेपी कांग्रेस पाखे 2 और बीजेडी पाखे गोटे आसन था तेणु क्रमगत जब आप नवरंगपुर कथा कहतु कोरापुट कथा कहतु मलकानगि कथ कहतु कांग्रेस नंबर 2 रही किसी जगह बीजेपी पड़ी किसी जगह बीजेडी पड़ी तेणु बीजेडी आउ बीजेपी की स्थिति को जब कहुए तो कांग्रेस दबदबा रही स्थानीय अंचल यही क्रम जब आप देखिए पकेट भोट रही जो थे कि बंगीय भाषाभाषी रोचान मलकानगि अंचल से ही भोट को किए नहीं पार बर्तमान बीजेडी निज आड़ आनीपर ना बीजेपी रिपीट कर ना कांग्रेस किसी फायदा मार ये आप निकट में देखिथे छत्तीसगढ़ शिल्पमंत्री आसी ओडिशार दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिला रायगड़ा कहतु नवरंगपुर कहतु ये सब पार्टी चंदाहांडी कहतु ये सब जगार बुलूंट तेणु कौटी ना कौटी गड़ बचाई कांग्रेस कर छड़ा दब ना यही स्थित को जब कहुए तो हे तो विशेषकर यही तीनोट जिले में त्रिमुखी लड़े हबार जथेष संभावना रोचे कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर मलकानगि ए सब जिले में स्थानीय समस्या के गुरुत्व रखुच्छे निश्चित भाव में जब आप देखिए विशेषकर जदि पूर्व जो 2017 जो थिला जहाँ गमांग फैमिली से कांग्रेस बर्तमान गिरिधर गमांग जी की पूर्वतन मुख्यमंत्री सी और पुओं का जदि दबदबा कहुए से आसी बर्तमान बीजेपी अच्छा तेणु हेवी वेटर लड़े स्थानीय समस्या एवं प्रसंग जदि कहुए शासक दल पशिची दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिला एवं निजे निजे सांगठनिक संपादक प्रणप्रकाश दास दायित्व अच्छा तेणु कौटी ना कौटी विजु जनता दल चेष्टा कर निज सफलता ठारु अधिक पाइबा बैरियर हो पारती कांग्रेस प्रथम रेस रहा द्वितीय पोजिशन जेहेतु रही आसी लड़े जोरदार हबार जथेष संभावना रोचे अनेपटे अविभक्त कोरापुट कथ जहाँ कहते हैं बुझा पड़े कि से ही जगह बीजेडी शक्ति जी कांग्रेस शक्ति अच्छी बीजेपी संगठन अच्छी से दृष्टिकोण गोटे कड़ा चैलेंज और त्रिमुखी लड़े ही हो पा निश्चित भाव नंबर 2 पोजीशन पे जेहेतु दुई दल मधे लड़े हो बीजेडी जदि एक नंबर रही आसी से एक नंबर को कायम करवास अधिक सीट किए के हाथ पार्टी बड़ कथ अंपटे गंजाम को मध्य बाद दिया जाए नपे मुख्यमंत्री से गंजाम रु ही आसती गंजाम रे समीकरण कौन परिवर्तन होई एवं लाभ बा एडवांटेज कहा सपक्ष में रोचे निश्चित भाव में जब आप देखिए देखो जो गंजाम स्थित कहुए गोटे बीजेडी गड़ कहले भूल हेनी बीजेडी घर भी कहुए कारण लगातार भाव में विजु जनता दल से सफलता पाई आसूसी हाथ गणती गोटे दुईट सीट को छाड़देले स्थानीय कंग्रेस जड़े विधायक को छाड़े सबकि बीजेडी हाथ में रही स्थित जब आप देखिए 2017 69 आसन जहाँ 69 आसन मध्य बीजेडी को 64 और बीजेपी को 4 कांग्रेस को गोटे आसन जाता से ही क्रम को जब आप देखिए वर्तमान जेहेतु स्थानीय अंचल स्ट्राटेजी कहतु एवं ऑब्जर्वर मानकर दायित्व बड़ बड़ मंत्री को जिले में अवस्थापित कर गोटे प्रकार मुख्यमंत्री इमेज जो बीजेडी गंजाम दोहर सफलता कहुच्छे जदि अन्य एक जिला जब आप देखिए गजपति जिला जहाँकि गजपति जिलार जो स्थित को कहुए तो मोट 14 जिला परिषद आसन जो थे कि बीजेडी 5 पाई बीजेपी 3 और कांग्रेस 6 आसन पाई संख्या को जदि आप हिसाब करेंगे 2017 स्थिति 2019 समीकरण और 2022 जो जिला परिषद आसन हाँ जाऊँगी भिन्न भिन्न तरीका रोचे कौन ना 2017 जब आप देखिए से जो भाव में दल सफलता पाई 2019 कितु अंक बदलला कारण गजपतिर जी विधायक बर्तमान अच्छा के नारायण राव बर्तमान से बीजेपी विधायक कितु से बीजेडी विधायक थे से मोहना कथा कहुए तो बर्तमान अच्छा से कांग्रेस विधायक दासरथी गमा जी मोहनार विधायक भाव में निर्वाचित होती सबुठ बड़ कथा आप जानते प्रदीप पाणीग्राही जीक बीजेडी विदा होती अन्य एक जहाँ दुर्नीति कारण हो कि दल विरोधी कम हो बर्तमान दल ताक दूरई रखी और दल विदा कर स्थित को जब कहुए तत्कालीन टाणुआ नेता भाव में प्रदीप पाणीग्राही गजपति जिलार ऑब्जर्वर दायित्व थे सी निजे टिकेट बंटन में कहतु संगठन को सजाड़े कहतु गजपति जिलार दायित्व रही थे बर्तमान से स्थित आज ना बर्तमान तेणु से बीजेपी कांग्रेस और बीजेडी तीन जन भितर कौटि किए आसन बर्तमान अख्तियार कर दलपी चैलेंज कारण पूर्व जदि 2019 कथा कहुए तो एमएलए टिकेट बंटन में जो भाव में गोटे अभोग आसला जे असंतोष आसला और दल भितर गोटे बीजेडी फाट सृष्टि होता है के नारायण राव जी लगातार जीति सी कि बीजेपी को जा पुणी दोहरइले आउ एक हूँ भाषा गोटेपटे ओडिया और आंध्र जेहेतु तेलुगु तेणु दुई भाषाभाषी लोक स्थानीय अंचल समस्या और निकटे जब आप देखिए सीमावर्ती समस्या यह सब को प्रसंग को जदि कहुए तो कांग्रेस
ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ 2017 ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ସମୀକରଣ ବଦଳିଛି 19ରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହା ଭୋଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଚାରରେ କିଏ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଏବଂ ଗଡ଼ ଜଗିବାରେ ବା ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବାରେ କିଏ ସପକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜପତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଜଣେ ତେଲୁଗୁ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିବ ଶାସକ ଦଳକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଠି ଶାସକ ଦଳ ଯଦି ମନେକର ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କରଛଡ଼ା ଦେବନି। ଏସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ନିଜେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଯେ ଟାଣୁଆ ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜର୍ଭର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦଳ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଛି ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଦବଦବା ଦକ୍ଷିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନତା ହିଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେବେ ସେମାନେ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଥବିରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି 2024 ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେମିଫାଇନାଲ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ଏଥର ଯାହା ସଫଳତା ପାଇବ ତିନି ଦଳ ସେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଗୋଟେ ଦିଶା ଦେବ ଯେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାରଣ ସିମ୍ବଲ ବାଇଜ୍ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି ଜେଡ଼ପି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମାଟ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନେତା ପକେଟ୍ ବାଇଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପିମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅବଜର୍ଭରମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତିନି ଦଳର ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଟୁ ବିଜେପି ରହିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଯେ ଦୋହରାଇବା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଯେହେତୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ କାରଣ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦଳ ସେତିକି ସଫଳତା ପାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଏକ ନମ୍ବରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହେ ତାହେଲେ ଦୁଇରେ କିଏ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ତା ସ୍ଥିତି ଯାହା 17ରେ ହୋଇଥିଲା ନମ୍ବର ଟୁ କିଏ ନେବ ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ବିଲକୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଭର କରୁଛି 2024 ଉପରେ କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ 2024 ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।